بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين الأكرمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليك يَتْلُو آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال تعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم معزز حاضرين الكرام आज का हमारा उन्वान है मकसद बिअसत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में किस लिए भेजा। अल्लाह तबारक ताला जितनी चीज़ों को भी पैदा किया है, जो भी काम वो कर रहा है, उसका एक मकसद है। दुनिया को बसाया, आबाद किया, उसका अपना एक मकसद है। कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला बेकार के नहीं पैदा किया। हत्ता के बाद जहरीली चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया है तो उसका भी एक मकसद है। और उमूमी तौर पर इंसान को पैदा करने का मकसद अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंसान को मेरी इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व ताला जब हर काम एक मकसद के तहत करता है, हालांकि वो पाबंद नहीं है,
उसके बावजूद अल्लाह तबारक ताला दुनिया को पैदा करने का मकसद बतलाया कि इरफान रब, अल्लाह ताला खुद पहचाना जाए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो इतने शान शौकत के साथ और इस अंदाज से कि इससे पहले किसी नबी या किसी रसूल को अल्लाह ताला ने नहीं भेजा, तो हुजूर को भेजने का मकसद क्या है? तो अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में एक ही मकसद को तीन मुकामात पर बयान किया। एक तो मैंने आपके सामने जिस आयत मुबारका की तिलावत की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। ए अल्लाह, मक्के मुकर्रमा में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह को बनाए और वहाँ के रहने वालों के लिए बरकत की दुआ की, तो उसके बाद ये भी दुआ की कि ए अल्लाह यहाँ के लोगों के लिए एक रसूल को भेज, यतलु अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, वो तेरे आयतों को पढ़कर सुनाए और उनको हिकमत की बातें बतलाए और उनका तज़किए नफ्स करे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ किए थे। अल्लाह तबारक व तआला, ये सूरह बकरा की आयत है। सूरह आल इमरान में इसी मफहूम मतलब की आयत इस अंदाज से है, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب। बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों पर एहसान फरमाया कि उनमें रसूल को भेजा, वो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और उनको हिकमत की बातें बताते हैं और उनका तज़किए नफ्स करते हैं। फिर अल्लाह ताला सूरह जुमा में इसी मफहूम को दोहराया, हुवल्लज़ी बअथा फिल उम्मीयीन, वो ज़ात जिसने उम्मीयीन में रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, उनमें वो अल्लाह की आयतों को तिलावत करते हैं और उनको हिकमत की बातें बतलाते हैं और उनका तज़किए नफ्स करते हैं। ये तीनों मुकामात पर अल्लाह तबारक व ताला इब्तिदा में अलग अंदाज से किया, लेकिन इसका अंजाम अखीर में तीनों मुकामात पर तीन चीज़ों को बेअसत का मकसद बतला है। हुजूर को भेजने के तीन अहम काम बतला है। मकसद अव्वल कुरान शरीफ की तिलावत है, और दूसरा मकसद अल्लाह तबारक व ताला ने जो हिकमत की बातें कुरान में रखा है उसकी तालीम है, और फिर तीसरा मकसद इंसानों का तज़किए नफ्स। ये तीन चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के अहम मकासद में से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हदीस शरीफ में है, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं भेजा गया हूँ ताकि अखलाक को मुकम्मल करूँ, उम्दा अखलाक को दुनिया में राइज करूँ। और एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। अल्लाह तबारक ताला ने जिन आयात में तिलावत और हिकमत की तालीम तज़किए नफ्स का जिक्र किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने भेजे जाने के मकसद को एक तो तरबियत अखलाक की तालीम और उमूमी तालीम भेजने का मकसद ये बतला है। इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला जो सूरह बकरा में इरशाद फरमाया
यतलू अलैहिम आयत, वो तेरी आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाएंगे। मौजूदा दौर में कुछ जहने मुसलमानों के इस तरह भी काम करते हैं कि मुतलक तिलावत कुरान से कोई फायदा नहीं, कुरान को समझ कर पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला यहां पर तिलावत और हिकमत दोनों अलग अलग चीजें बतला रहा है। तिलावत ये इस्तिलाही लफ्ज है, कुरान मजीद को पढ़ने का नाम तिलावत है। दूसरी आप कोई किताब पढ़ रहे हैं उसको तिलावत नहीं कहेंगे, उसको किरात कहते हैं, पढ़ना मुताला कहते हैं। जहां पर लफ्ज तिलावत इस्तेमाल होता है तो तिलावत कहते ही मुसलमानों का जहन कुरान शरीफ की तरफ ही जाता है। यतलू अलैहिम आयाती, वो तेरे आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाएंगे। तो इसमें मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि कुरान शरीफ का पढ़ना भी ये इबादत है, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ की तिलावत को मुस्तकिल एक अमल बतलाया है। जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ तिलावत से मकसद हासिल नहीं होता, उनकी ये सोच मुनासिब नहीं है। इसलिए कि अगर मुतलक तिलावत का फायदा ना हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग से तिलावत कुरान किया करते थे। तहज्जुद में सूरह बकरा, सूरह आल इमरान एक एक रकात में तिलावत कर रहे। अगर इसका फायदा ना हो तो फिर इतनी देर तक तिलावत करते रहना अपने आप को मशक्कत में डालना, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाया कुमिल लैल इल्ला कलीला, इतनी देर तक ठहरे हुए हैं कि पाए मुबारक वर्म आ जा रहा है, सूज जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहा है कि आधी रात या उससे कम हिस्सा तिलावत में आप ठहरी। तो तिलावत एक मुस्तकिल अमल है, बल्कि तिलावत कुरान में सहाबा किराम ने इतना एहतमाम किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान मुबारक से जो कलिमात कुरान के अदा होते थे उसके लबो लहजे को भी महफूज किया, और उसी का नाम तजवीद। और कुरान मजीद का रस्मुल खत लिखने का अंदाज भी खास है, इसमें भी कोई फर्क नहीं कर सकते। तो तिलावत कुरान आप समझ कर पढ़ें या बगैर समझे पढ़ें, मुस्तकिल एक अमल है और उसका सवाब अपनी जगह मुसल्लम है। खुद सहाबा किराम रिवायत में आता है हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने, जो सबसे पहले मुफस्सिर कुरान है, उनके फजाइल बहुत ज्यादा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत कम उम्री में बहुत काबिल सहाबा किराम में शुमार किए जाते थे। अभी ये 13-14 साल के ही थे कि अल्लाह तबारक ताला ने इनको कुरान फहम कुरान अता फरमा दिया था। अभी ये कम उम्र ही थे, हजरत उस्मान गनी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने के मजलिस शोरा में शरीक कर लिए गए थे। तो बस बड़ी उम्र के सहाबा किराम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने से कहने लगे कि ये बच्चे मजलिस शोरा में क्यों। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के सलाहियतों को, उनके फहम कुरान को जानते थे। बस बड़े बड़े सहाबा किराम के समझ में आयतें नहीं आते थे, वो आयतों को हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला समझ जाते थे। तो जब सहाबा किराम ये एतराज़ किए
तो लोगों को बतलाने के लिए कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा खुदादाद सलाहियतों के कैसे मालिक हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर फहमे कुरान को कितना डाल दिया है, वदीअत किया है, ये बतलाने के लिए लोगों से सूरह नस्र के मुतालिक सवाल किए कि इदा जा नस्रुल्लाह वल फतह, ये आयत ये सूरा क्यों नाजिल हुआ, उसका शान नुज़ूल तो है अपने लिए। तो सहाबा किराम जो उमूमी आम तौर पर उस सूरे में जो अल्लाह ताला बतलाया, फतेह मक्का की खुशखबरी दिया, उसके बाद फतेह मक्का के बाद लोग जौख दर जौख इस्लाम में आ जाएंगे, उसी के बारे में बतलाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला से उमर रदी अल्लाह तआला ने सवाल किया कि आप बतलाइए इसका मकसद क्या है और इससे क्या नतीजा निकलता है। तो इस पर हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने की बशारत दे रहा है। सहाबा किराम सोचने में पड़ गए। और जब ये सूरा नाजिल हुआ था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जारो खतार रोए थे, उनकी समझ में चीज आ गई थी। उसके बाद पूछने लगे कि इससे आप ये कैसे नतीजा निकाले कि बतलाए। अल्लाह तबारक व ताला रसूलों को एक खास मकसद के लिए भेजता है और इस सूरे में उस मकसद के तकमील की तरफ इशारा कि दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम जिस अंदाज से अल्लाह ताला चाहता था पूरी दुनिया में फैल गया, जब मकसद पूरा हो गया, जिस मकसद के लिए नबी भेजे गए वो मकसद पूरा हो गया, तो फिर वो नबी इस दुनिया से कूच फरमाए। तो उस वक्त हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा की सलाहियतें सहाबा के सामने खुल के आए कि बजाहर ये बच्चे हैं लेकिन इनका जहन इतना आगे काम कर रहा है, जो चीज हमारे समझ में भी नहीं आती वो चीज इब्ने अब्बास समझ जाते। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिलावत कुरान के बारे में पूछे कि मैं कुरान कितना पढ़ूं, बोले कि 10 दिन में एक मर्तबा खत्म करो, बोले मैं उससे ज्यादा की ताकत रखता हूं और ज्यादा पढ़ सकता हूं, तो फरमाए कि हफ्ते में एक मर्तबा खत्म करो, बोले उससे ज्यादा की ताकत रखता हूं, तो फरमाए 3 दिन में एक कुरान मजीद खत्म करो। ये तिलावत के लिए बतला रहे हैं, समझकर पढ़ने का नहीं। वो तो अहले जबान थे, कुरान शरीफ को समझते हैं, हमसे बहुत कहीं अच्छा समझते हैं। ये मुतलक तिलावत के बारे में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा अर्ज कर रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्बास को ये नहीं फरमाए कि इब्ने अब्बास तुम खाली कुरान क्यों पढ़ते, समझ कर पढ़ो, नहीं, फरमाए कि जो है ना तिलावत भी बिल्कुल अल्लाह ताला के नुजूल कुरान के मकासिद में से एक मकसद है। और इसी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सूरतों की फजीलतों को बतलाए कि सूरह यासीन की तिलावत, कोई मुकम्मल एक सूरह यासीन का पढ़ लिया 10 कुरान मजीद का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो ये जो हदीस शरीफ में है वहां पर समझ कर पढ़ो इसका जिक्र नहीं, तिलावत है। और कुरान मजीद में कई जगह अल्लाह तबारक ताला ने कुरान की तिलावत की तरफ भी लोगों को तवज्जो दिलाया है। तो सबसे पहला काम रसूल के भेजे जाने का, यतलू अलैहिम आयातिक, वो तेरे आयतें पढ़कर सुनाएंगे। बहुत से ऐसे अहले जबान हैं कि जब उनके सामने कुरान शरीफ पढ़ा जाता है तो उनको उसकी तफसीर तशरीह तर्जुमा बयान करने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ जाते हैं। और यही चीज तो थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला
जब अपने घर में मक्का मुकर्रमा में अपने घर के कोने में कुरान मजीद की तिलावत करते थे तो तर्जुमा तफसीर नहीं बयान करते थे, मुतलक तिलावत करते थे, तो आपके तिलावत को कुरान की आयतों को सुनने के लिए मक्का मुकर्रमा के मर्द औरतें जमा हो जाया करते थे। तो तिलावत भी अपनी जगह मुस्तकिल का अमल है। इस वक्त बाज लोग ये जो कहते हैं कि खाली तिलावत पढ़ने से क्या, तिलावत करने से क्या हासिल, ऐसा नहीं। और तिलावत भी उसी लबो लहजे में उसी अंदाज से करने का हुक्म है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। उसके बाद दूसरी चीज है वही अलिमुहुल किताबा वल हिकमत, और हिकमत की बात तालीम कर। एक तो कुरान कैसे पढ़ना सिखाए, कुरान की तिलावत का तरीका बतलाए, उसके बाद कुरान के अंदर क्या क्या चीजें हैं। खुद कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई चीज ऐसी नहीं है चाहे वो जमीन की चीज हो या समंदर की चीज, लेकिन उसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। जब हर चीज कुरान में मौजूद है और उसकी तालीम देने के लिए अल्लाह ने हुजूर को भेजा, तो मतलब यह हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज को जानते हैं। जब जानेंगे तो तालीम देंगे, अगर वो नहीं जानते तो फिर उनको मुअल्लिम बना के भेजने का मकसद क्या है। मुअल्लिम का मतलब फर्ज कीजिए इस जमाने में एक मैथ्स के प्रोफेसर हैं, अब उनको एक सब्जेक्ट दिया गया, वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आए, तो जो सब्जेक्ट वो पढ़ा सकते हैं वही सब्जेक्ट उनको दिया जाएगा। जो सब्जेक्ट वो नहीं जानते, या यूं समझिए कि मैथ्स के प्रोफेसर को लाए और उनसे ख्वाहिश कर रहे हैं आप फिजिक्स पढ़ाएं या केमिस्ट्री पढ़ाएं, तो उन्होंने साफ कह देंगे कि मैं ये सब्जेक्ट का नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर को मुअल्लिम बनाकर भेजा कुरान की तालीम देने के लिए, और खुद कुरान मजीद इरशाद फरमा रहा है इसमें हर चीज मौजूद, और कुरान की तालीम देने के लिए भेजा है, तो गोया यूं समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज जानते हैं ये नहीं जानते, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर कुरान मजीद जो फरमा रहा है कि हर चीज इसमें मौजूद, तो उसमें ये चीज है ये नहीं है मानना पड़ेगा। जब आप ये मानते हैं कि कुरान में हर चीज है, तो हर चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जुमा में जो फरमाया वल्लज़ी बअथ फिल उम्मीयीन, उम्मीयीन में रसूल को भेजा। उम्मी का तर्जुमा दो तरीके से किया गया, एक तो उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा के रहने वाले, मक्का मुकर्रमा को उम्मुल कुरा कहते हैं, यानी पूरी जमीन की असल। उस जमाने में कहते थे, और आज साइंस तहकीक करके ये बतला रही है कि मक्का मुकर्रमा जमीन का सेंटर पॉइंट है। 1500 साल पहले जबकि ये तहकीकात नहीं थी, ये जमीन को नापने का कोई आला नहीं था, उस वक्त इसको उम्मुल कुरा कहा गया, यानी दुनिया की असल, जमीन की असल कहा गया। और आज साइंस इकरार कर रही है कि बिल्कुल वो सही है कि ये सेंटर पॉइंट है। तो उम्मुल कुरा के रहने वाले यानी मक्का मुकर्रमा के रहने वालों को उम्मी कहते हैं। और एक लफ्ज उम्मी का अनपढ़, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में दुनिया में भेजे गए वो दौर दौरे जाहिली कहलाता है, यानी जिहालत अपने इंतहा को पहुंच चुकी थी। जाहिल होना उनके लिए काबिल फख्र बात थी। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह तबारक व ताला वही नाजिल किया, उस वक्त पूरे मक्का मुकर्रमा में हजारों लोगों में सिर्फ 17 आदमी ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे।
अंदाजा लगाइए कि जिहालत की इंतहा कितनी आगे तक पहुंच गई थी। वो भी 17 आदमी ऐसे थे जो तिजारत के लिए दूसरे मुल्कों को, मुल्क शाम, यमन, मिस्र जाया करते थे। वैसे लोग लिखना पढ़ना जानते थे, वरना वहां के मक्का मुकर्रमा के रहने वाले लिखना पढ़ना जानते नहीं थे। तो ऐसों में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो अंदाजा लगाइए कि कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। लिखे पढ़े आदमी को, समझदार आदमी को कोई चीज हिसाब किताब से बतलाए तो वो फौरी मान लेता है। जो लिखा पढ़ा नहीं है तो उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, उसके दिमाग में बात को उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत के लिए ऐसे ऐसे मोजिजात अता फरमाया जो उन लोगों के मुआफिक, उनके मुताबिक मोजिजा सादिर होता था। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे, जंगल में एक आदमी लकड़ियां काट रहा था, उसको तबलीग किए, इस्लाम की दावत दी। जब इस्लाम की दावत दी तो उसने सवाल किया कि आपके रसूल होने का, नबी होने के लिए मौजिजा क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अंबिया को, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के जितने अंबिया गुजरे हैं उनको अल्लाह ताला महदूद मौजिजा, दो चार मौजिजे अता फरमाया जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई महदूद नहीं, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड मोजिजात अता फरमाया। बल्कि रिवायतों में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए, जितने अंबिया को अल्लाह ताला जो जो मोजिजात अता फरमाया वो पूरे मोजिजात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में जमा कर दिया। चूंकि वो लकड़हारा था, लकड़ियां काटना उसके जिंदगी का मशगला था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ठीक है, जाओ फुलान झाड़ को बोलो कि रसूल बुला रहे हैं। परेशान हो गया कि बोले मैं जड़ें काट के निकालना मुश्किल है, खोद के निकालना आसान नहीं है, ये बुलाए तो आ जाएंगे। ताज्जुब की निगाह से देखने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तकने लगा, तो फिर फरमाए जाओ तुम बोल। तो अब वो गया, जाके झाड़ से कहने लगा, इशारा किए थे फुलान झाड़ को, झाड़ को बतला बोले कि तुम्हारे को रसूल बुला। सिर्फ हुक्म सुनना था कि झाड़ अपने जड़ों से हरकत किया और जड़ों के साथ ऊपर आ गया। इस अंदाज से कि जैसा कि आदमी चलते हुए आता है, वो झाड़ भी अपने जड़ों के बल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सलाम बजा लाया। तो ये देखना ही था कि उस आदमी को यकीन हो गया कि मैं इतने साल से लकड़ियां काट रहा हूं, कभी जड़ अपने आप से, एक जड़ बाहर नहीं आ सकती, चाहे कि पूरा झाड़ निकल जाए, तो ये तो रसूल ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। फौरन वो मुसलमान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों में भेजे गए और उसी अंदाज के मोजिजात अल्लाह ताला अता फरमाया ताकि उनके दिमाग में बात फौरी उतरे और वो लोग इस्लाम को कबूल करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीन में भेजा अल्लाह ताला, और वहां भी क्या फरमा रहा सूरह जुमा में, यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। वहां पर कुरान की तिलावत करेंगे, यानी अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ पढ़ कर सुनाएंगे, उनका तज़किया नफ्स करेंगे और उनको हिकमत की बातें बतलाएंगे। ये तीन चीजें, यानी तीन मुकामात पर अल्लाह ताला इसी अंदाज के चीजों को रिपीट किया है, तकरार किया है और उसमें तीन बातों को बतलाया, तीनों जगह। तो हिकमत, दानाई, ये मुसलमान का सरमाया है। हदीस शरीफ में अल-हिकमत दालतुल मुमिन, हिकमत मुसलमान का गुमशुदा सरमाया है, वो जहां मिले उसको हासिल कर। आज मुसलमानों में ये इख्तलाफी इंतशार की वजह से जब कोई हिकमत की बात
करते हैं तो वो बात को लेने से पहले सोचते हैं कि बोलने वाला कौन। लेकिन हदीस शरीफ में बतलाया गया है कि मुसलमान का गुमशुदा सरमाया है हिकमत। आपको अच्छी बात मिल रही, एक गैर मुस्लिम से भी मिल रही है, तो उसको भी हासिल करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हिकमत को बतलाने ही के लिए तशरीफ लाए। बुइस्तु मुअल्लिमा, फरमाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे मुअल्लिम बनाकर, उस्ताद बनाकर भेजा। और उस्ताद का काम न मालूम चीज को बतलाना उसका काम होता है। और मौजूदा दौर के लिहाज से तो उस्ताद का काम बदल ही गया है। आज तालीम है, तरबियत नहीं, जिसकी वजह से मुआशरा पूरा बिगड़ रहा है। आज से 50 साल पहले अगर बच्चा स्कूल को मदरसे को जा रहा है तो समझ जाइए कि उन तालीम भी हासिल करता था और वहीं से तरबियत भी मिलती थी। वो जमाना इखलास का था या उस्ताद अपने फराइज को अच्छी तरह जानता था, यह जमाना तालीम तिजारत बन चुकी है, जिसकी वजह से आदमी बच्चे को तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही। उस्ताद का भी नजरिया बदल गया, शागिर्द का, तालिब इल्म का भी नजरिया बदल गया। उस्ताद ये सोच रहा है कि मेरे को इतनी तनख्वाह मिल रही या बच्चा इतनी फीस दे रहा, मैं इतना पढ़ाऊंगा। और बच्चे के अंदर उस्ताद से लेने की सलाहियत खत्म हो गई, मेरे को यह सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरे को इतना ही पढ़ना है। बच्चे तालीम इसलिए हासिल कर रहे हैं कि इम्तिहान में पास हो, काबिल बनना उनका मकसद नहीं है, किसी तरह उनको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो इस तरह तालीम और ताल्लुम, उस्ताद और शागिर्द के बुनियादी सोच में फर्क है। और इब्तदाई जमाने में बाप लाकर उस्ताद के हवाले कर देता था कि ये बच्चा आपके हवाले है, हड्डी चमड़ा मेरा, दूसरा सब आपका। तो तरबियत, उस्ताद तरबियत को भी तालीम का एक हिस्सा समझते थे। और बच्चा फौरी कोई गलत काम करता तो टोकते बोलते बताते थे। अब वो चीज खत्म हो गई। और ये हकीकत, मुअल्लिम की हकीकत यही है कि तालीम के साथ तरबियत भी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन मुकामात पर जहां पर बतलाया गया, तालीम और तज़किया, ये दोनों चीजें। तज़किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को तालीम फरमाते थे, तज़किया भी फरमाते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर कुरान मजीद आप पढ़ेंगे तो तालीम की इस्लाम में बहुत अहमियत बतलाई। अमल करना है, अमल कब करेंगे आप? इल्म हो तो अमल करेंगे ना, अगर इल्म ही नहीं है तो फिर अमल किस बात का? अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाया, अकीमुस सलात व आतुस ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। अब नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के बतलाएंगे तो आपको मालूम होगा कि नमाज है, जैसा कि खुद सहाबा किराम, अल्लाह ताला फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ऐ मुसलमानों तुम भी खूब दुरूद व सलाम भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। जब यह आयत नाजिल हुई तो सहाबा किराम, हालांकि अहले जबान अरबी जानते हैं, वो लोग आके पूछने लगे कि या रसूलल्लाह, सलाम तो हमको मालूम है, नमाज में भी सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम पढ़ रहे, सलाम भेज रहे हैं, आप आ गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला सलात फरमाया है। अब तक हम सलात नमाज के लिए, नमाज का माना लेते थे और नमाज अदा करते थे, अब यहां पर आप पर अल्लाह सलात भेज रहा, तो इसका क्या मतलब है? हम नहीं समझे।
और सलात भेजना तो किन अल्फाज में भेजना, हालांकि अहले जबान हैं, सलात के माना वो जानते हैं। सलात के कई माना है, एक तो नमाज के माना है, एक तो रहमत के माना है, एक तो दुआ के माना है, तो हर मौके से अलग माना लिए जाते हैं। अब अल्लाह रसूल पर सलात भेजता है तो अल्लाह नमाज तो नहीं पढ़ रहा, तो यहां पर नमाज के माना नहीं ले सकते। तो सहाबा किराम परेशान होकर यही सवाल किए कि अल्लाह आप पर सलात भेज रहा है तो उसका क्या मतलब है, क्या मफहूम है और कैसे अल्फाज से भेजना है। तो इस पर हालांकि सवाल है और अल्लाह ताला बोल रहा है, ए मुसलमानों तुम भी सलात भेजो। हम सलात भेजना, उसके बजाय हम फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह सलात हुजूर पर कैसे भेजना, हम उसके अहल नहीं हैं। हुजूर के मुकाम और मर्तबे के लिहाज से किन कलिमात से हम दुरूद पढ़ना हमको नहीं आता। ए अल्लाह तू अपनी शान के मुताबिक हुजूर पर सलात भेज। दुरूद शरीफ क्या पढ़ते हैं हम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हालांकि अल्लाह ताला क्या बोल रहा, तुम लोग सलात भेजो, तो हम भेजने के बजाय उल्टा हम अल्लाह ताला से दरखास्त कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तू भेज। मतलब क्या हुआ, हुजूर का मुकाम मर्तबा, आपके मरातिब, आपके मनाजिल, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाया वरफअना लका ज़िक्रक, मैंने आपके जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह जिसके जिक्र को बुलंद किया उसकी तारीफ बंदा क्या बयान कर सकता है। तो पलट कर बंदा अल्लाह ताला से ख्वाहिश कर रहा, ऐ अल्लाह हुजूर के शायन शान जो कलिमात भी जिस तरीके से भी रहमत नाजिल फरमाए तू नाजिल फरमा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ पढ़ते भी थे और कुरान में जो अहकामात आए उसको सिखाते भी थे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहा, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया भी करते थे। तज़किया नफ्स ये हर इबादत की इखलास की असल। आप इल्म हासिल कर रहे हैं शोहरत के लिए, अमल कर रहे हैं दिखावे के लिए, कोई फायदा नहीं। हदीस शरीफ में है कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बड़े आलिम साहब को औंधे मुंह घसीटते हुए फरिश्ते दोज़ख में लेके जाएंगे। लोग देख के कहेंगे अय अल्लाह इनके वाजें सुन के तो हम हिदायत पे आए, हम नमाजी नहीं थे, इनका वाज सुन के नमाज के अहमियत सुन के नमाजी बने। शराब पीते थे, शराब के बारे में हमको मालूम नहीं था, इन्होंने तकरीर की शराब की हुरमत क्या है, कुरान में क्या हुक्म है, क्या है बतलाया, तो हम शराब पीना छोड़े। तो तू हमारे को जन्नत में डाल रहा और ये दो जख्मे, तो निदा आएगी कि हां ऐ बंदो यकीनन इनके कहने पर तुमने अमल किया और तुम अपने अमल में मुखलिस थे, इखलास से तुमने अमल किया, और ये शख्स शोहरत चाहता था, लोगों में बड़े खतीब साहब, शहंशाह खिताबत फुला, शोहरत चाहता था और इसका बदला मैंने इसको दुनिया में दे दिया। ये जो चीज चाहता था वो चीज मैंने दुनिया में अता कर दिया, अब उसको यहां पर कोई हिस्सा कोई अमल नहीं। बड़े बड़े कारियों को लाया जाएगा, मुख्तलिफ चीजें बतलाए। तो ये क्यों बतलाए, इसलिए कि जो भी अमल आप कर रहे हैं उसमें इखलास होना। शोहरत दिखावा नमूद अगर हो तो उसका अमल उसका असर दुनिया ही में खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला उसकी जजा दुनिया में अता फरमा देता है, आखिरत में कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता है।
तो तज़किए नफ्स जब तक ना हो उस वक्त तक हमारे अमल में इखलास नहीं आ सकता। तज़किए नफ्स से मुताल्लिक बहुत से अहादीस हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस जिब्रील बुखारी शरीफ में भी है, मशहूर हदीस है, बहुत लंबी चौड़ी हदीस है। ये तज़किए नफ्स पर जो असल अल्फाज हैं वो बतला रहा आपको। एक सहाबी जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सहाबी की शक्ल में आकर मुख्तलिफ सवालात करने लगे, इस्लाम किसको बोलते, ईमान किसको बोलते। पहले ईमान का सवाल किए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में फरमाए कि तुम इस बात की गवाही देना कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल और उसका बंदा हूं, यानी कलिमा शहादत का इकरार, ये ईमान। उसके बाद फरमाए कि इस्लाम किसको बोलते, तो ले नमाज पढ़ना, रोजा रखना, रमजान के रोजे रखना, जकात देना, हज करना, ये इस्लाम। यानी मतलब क्या हुआ, अकीदा, दिल में जो अकीदा है वो ईमान है और जो मुसलमान के जिस्म से जो अमल होता है उस अमल को इस्लाम कहते हैं। इसी को अल्लाह ताला ने फरमाया, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا। गांव वाले आके, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो लोग बोले हम ईमान लाए, बोले ईमान लाए मत बोलो बल्कि हम इताअत कबूल किए, अस्लमना, इताअत को कबूल कर लिए बोलो। तो इताअत का नाम इस्लाम है, अकीदे का नाम ईमान है। और इसी चीज को हम नमाज जनाजा में दुआ पढ़ते, शायद कभी आप लोग गौर नहीं करे होंगे, दुआ में दो चीजें मांगते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहि अलल इस्लाम। ए अल्लाह, हमें जिसको भी जिंदा रखा इस्लाम पर जिंदा रख, वमन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान, और जिसको भी तू मौत दे ईमान की मौत अता फरमा। दुनिया की जिंदगी इस्लाम की हो और मौत ईमान की। तो ईमान अकीदे को कहते हैं और इस्लाम अमल का नाम है। तो सामईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम ईमान के बारे में पूछा गया, उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछने लगे मल एहसान, एहसान किसको कहते हैं, यानी तज़किए नफ्स यही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अन तअबुदल्लाह कअन्नक तराह फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। तुम अल्लाह की इबादत इस अंदाज से करो कि तुम उसको देख रहे हो, अल्लाह तुम्हारे सामने है, अल्लाह का दीदार हो रहा है, इस अंदाज से इबादत करो। फइन लम तकुन तराहु, अगर तुम्हारे अंदर यह कैफियत पैदा नहीं हुई तो दिल में यह यकीन जानो कि वो तुमको देख रहा, तुम अल्लाह की बारगाह में उसके सामने ठहरे हुए हैं, वो तुमको देख रहा है। जब कोई बड़ा आदमी हमको देख रहा है, आप मिनिस्टर के सामने हैं, बादशाह के सामने हैं, तो हमारे ठहरने का अंदाज बदल जाता, अब पीछे हाथ बल्ले के या खुजाते हुए नहीं ठहरते, बिल्कुल एकदम तवज्जो के साथ ठहरते हैं। क्यों? एक बड़े आदमी के पास, मिनिस्टर के पास, यहां बेअदबी नहीं चलती। तो अल्लाह के बारगाह में भी इस अंदाज से ठहरो, तुम अपने दिल में ये चीज ला लो कि तुम अल्लाह के सामने ठहरे हैं, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तो पूरी तवज्जो के साथ इबादत होती है। इसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान फरमाया और यही तज़किए नफ्स। तज़किए नफ्स क्या है? इंसान के अंदर जो खराबियां, जो बुराइयां आते हैं, मसलन हसद, तकब्बुर, गीबत, झूठ, ये जितने बुराइयां हैं, ये चीजों को खत्म करना ये तज़किए नफ्स। और तज़किए नफ्स
बगैर सोहबत के नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ताला इसके साथ साथ यतलु अलैहिम किताब, तिलावत, हिकमत, फिर तज़किये नफ्स, तीनों को एक साथ बतलाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों चीजों के लिए भेजे गए। सहाबाए किराम जो अपने वक्त के सबसे ज्यादा लुटेरे थे, लेकिन इस्लाम लाए, हुजूर की सोहबत इख्तियार किए, जो लुटेरे थे वो रहबर बन गए। ये क्या चीज थी? ये सोहबत की वजह से। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इहदिना सिरातल मुस्तकीम दुआ कर रहे हैं आप, अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह ताला ये बोल देता था कि कुरान का रास्ता सीधा रास्ता है, कुरान पढ़ लो और देख के चलो, नहीं बोला। हालांकि कुरान में हर चीज मौजूद है, लेकिन सीधे रास्ते पर चलने के लिए हादी की जरूरत है, रास्ता चलाने वाले की जरूरत है, हाथ पकड़कर रास्ते पर डालने वाले की जरूरत है। जब तक कि वो ना हो सीधा रास्ता चल नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम के बाद फरमाया सिरात लदीन अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उनकी सोहबत ये जरूरी है। और इनाम किस पे किया? फिर अल्लाह ताला एक और जगह फरमाता है अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, ये लोग इनाम याफ्ता लोग हैं, सबसे पहले जुमरे में अंबिया। इनकी सोहबत इंसान को इंसान कामिल बनाती है, इनकी सोहबत पत्थर को हीरा बनाती है, और जो लोग इनकी सोहबत से फैजियाब हुए उनका मुकाम और मर्तबा दुनिया के तमाम मखलूकात में आला हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत का मकसद अल्लाह तबारक व तआला तीन चीजें बतलाया है, एक तो तालीम किताब, तिलावत, फिर तज़किये नफ्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किये नफ्स से मुतालिक बहुत सी चीजें आपके अखलाक़े रसूल के चैप्टर में अहादीस मुबारका में मौजूद है। हसद को कैसे निकालना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है ला हसद इल्ला फिस्नतैन, हसद जायज नहीं है मगर दो चीजों में, एक तो तलब इल्म में और तलब खैर। हसद क्या है, हसद बोलते किसको? हसद माना यह है कि अगर कोई आपका भाई तरक्की कर रहा उसके जवाल की ख्वाहिश रखना, यह है हसद। नहीं, आप उन तरक्की कर रहा उसको देख के आप भी तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं, उन जिस अंदाज से मेहनत कर रहा उसको देख के आप भी मेहनत कर रहे हैं, इसको हसद नहीं कहेंगे। हसद अपने भाई के नेमत के जवाल की तमन्ना करना, यह हसद है। और आप उसके तरक्की को देखकर आप नाराज नहीं हो रहे, आपके दिल में कोई उसके खिलाफ कोई जज्बा नहीं आ रहा, लेकिन उसकी तरक्की को देखकर आप भी तरक्की करना चाह रहे हैं, इसको रश्क कहते हैं, गिबता कहते हैं, यह जायज है। उसके जवाल की तमन्ना करना यह नाजायज। और उमूमन इंसान के साथ जो नफ्स लगा हुआ है उन चाहता यह है कि सब में खुद नुमाया हो और दूसरे लोग तरक्की ना करें, और यह नफ्स इंसान का साथ साथ रहता है। लेकिन आप अपने बड़े बड़े आमाल को एक छोटी सी गलती से पूरे खत्म कर देते, जैसे मसलन यही हसद है।
ये गोया यूं समझिए कि जिस तरह लकड़ी को घुन लोहे को जंग लगता मालूम नहीं होता, होते 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 पूरा इतना मोटा पाइप जब जंग लगता है एकदम टूट के गिर जाता। तो हसद करने वाला इसको मिलता कुछ नहीं, इसके हसद करने से उसकी तरक्की में रुकावट नहीं होती, लेकिन खामा खा के इन हसद करके अपने आमाल को भी खत्म कर रहा और अपनी सेहत को भी खराब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत के लिए तशरीफ लाए तो चुगली को रोका। किस अंदाज से देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह हुजरात में फरमाता है, अयुहिब्बु अन याकुल लहम अखीही मैतन फकरिहतुमूह या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला यग़तब बअदुकुम बअदा। ऐ ईमान वालो, एक दूसरे की गीबत मत करो, इसकी गीबत ले जाके उसके सामने कर रहे हैं, उसकी गीबत इसके सामने कर रहे हैं, इससे होता क्या, दोनों के अंदर दुश्मनी पैदा हो जाती। गीबत बज़ाहिर कोई ज्यादा अमल नहीं दिख रहा, लेकिन इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान गीबत करने वाले का यह है कि उसके आमाल अकारत चले जाते हैं, इसको पता भी नहीं चलता। मुर्दार भाई का मुर्दार गोश्त खाने की तरह है, अयुहिब्बु अन याकुल लहम अन ताकुल लहम अखी मैता, क्या तुम ये चाहते पसंद करते हैं कि तुम अपने भाई का गोश्त खाओ, फकरिहतुमूह, तो इसको तो तुम नापसंद करते हो, जब तुम इसको नापसंद करते हैं तो उसकी गीबत क्यों करते हो, यह उससे ज्यादा बड़ी बुरी बला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत से मुताल्लिक एक और जगह सहाबा की तरबियत के लिए बतलाए, रास्ते में चल रहे थे, खच्चर पर सवार थे, रास्ते में जा रहे थे, खबरें नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अचानक खच्चर बिदका तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे, फरमाए कि यहां पर दो खबरें हैं, मुसलमानों की खबरें हैं और इनको कब्र में अजाब हो रहा, और कोई बड़ी बात से नहीं कि ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे, कोई फर्ज के तर्क की वजह से नहीं, जिसको आदमी मामूली सी समझता है ऐसी मामूली सी गलती पर ये दोनों को सजा हो रही। वो क्या है मामूली सी चीज कि एक आदमी चरवाहा था, ये बकरियों के ऊंटों के पेशाब से बचता नहीं था, कपड़ों पे गिरे वैसे छोड़ देते थे, तहारत का लिहाज नहीं करते थे, तहारत मुसलमान की बुनियादी चीज है, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का एक लाजमी हिस्सा है, एक जुज है ईमान का, तो ये तहारत से नहीं रहते थे जिसकी वजह से उनको अजाब हो रहा। और दूसरा, दूसरे जो शख्स हैं जिनको अजाब हो रहा वो गीबत किया करते थे, जिसको हम छोटी सी चीज समझते हैं, मामूली सी समझते हैं, मामूली सी नहीं, अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ी चीज है, इसकी वजह से खानदानों में फूट पड़ जाता है, दुश्मनियां पड़ जाते हैं, रिश्तों में जो है ना दुश्मनी आ जाती है, रिश्तों में जुदाई हो जाती है। गीबत कोई मामूली सी चीज नहीं है जिसको लोग मामूली समझते हैं, कभी भाई भाई में जो है ना इत्तेफाकी हो जाती है इसी गीबत की वजह से। तो इसीलिए अल्लाह ताला उसकी वईद को, उसके नतीजे को बतलाते हुए खूब डरा रहा है कि तुम अपने भाई का मुर्दार गोश्त खाना नहीं पसंद करते तो गीबत करना भी तुम पसंद मत करो, गीबत मत कर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत से कैसे रोकना हो, उसका वई उसकी वईद क्या है, एक तो मुर्दार गोश्त खाना अल्लाह ताला बतलाया, दूसरा ये कि इसकी वजह से ये मामूली चीज नहीं है, इसकी वजह से अल्लाह ताला अजाब भी देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया भी किया, कुरान की तिलावत कैसे करना यह भी बतलाया, और कुरान में जो हिकमत की बातें हैं उन चीजों को भी जाहिर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इन्हीं अहम मकासिद के लिए दुनिया में भेजा, और उसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आप तज़किया करके खामोश नहीं बैठे,
उसके बाद फरमाएं तरक तुफी कुमुस्तकलाएं, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इत्रती, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद है और उस पर अमल कराने के लिए, उसको सही समझाने के लिए मेरी इत्रत अहले बैत अतहार, यानी तज़किए के लिए। अब मैं नहीं रहूंगा दुनिया में तो इसके बाद तुम तज़किया किससे हासिल करोगे? तो तज़किया हासिल करने के लिए बतला दिया कि अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में रहेंगे, उनकी सोहबत इख्तियार करना, उनके साथ रहेंगे तो तुम्हारे नफ्स का तज़किया होते रहेगा और अमल इल्म ये तमाम चीजें हासिल करते हैं हम तज़किए नफ्स के लिए, इखलास के लिए। इखलास से अमल हो तो अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल है, अगर इखलास ना हो तो वो रद्द कर दिया जाता है। वसल्लल्लाहु तआला وسلم على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين